जैसे मैंने पहले बताया एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना, आप लोग अपना बिजनेस करें, कोई आइडिया है उस आइडिया को कन्वर्ट करके अपना स्टार्टअप शुरू करें, दैट इज द फोकस एरिया। और उसी चीज को बेहतर समझाने के लिए हम लोगों ने ये बूट कैंप ऑर्गेनाइज किया है। तो अभी तक हम लोगों के 5 सेशन हो चुके हैं। टुडे सेशन इज अबाउट डिजिटल मार्केटिंग यूजिंग सोशल मीडिया एंड इट्स पावर टू बूम योर एंड बूस्ट योर बिजनेस, राइट? एंड वी हैव आवर गेस्ट फॉर द डे, इंजीनियर मनमोहन सिंह। प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड। So without further ado, I'll call him to start the session, and please. So good morning, everyone. And the session for the day is Go Digital, creating a digital footprint plan for your business so that you can skyrocket your sales for your product or services. Hello, hello. Okay students, good morning everyone, good morning। नहीं देखो, स्टार्ट करने से पहले एनर्जी बहुत जरूरी होती है, मुझे पता है ठंड बहुत है, ठीक है, तो थोड़ा सा लाउड रहना है। 3 चीजें सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं सबको बोलूंगा, जब मैं यस या नो बोलूं तो आपको नो लगे तो नो, और यस लगना है तो यस, और यस एंड नो में जोर से बोलना है, राइट? यस एंड नो, यस सर, ओके। और जब भी मैं कुछ पूछूं तो एनर्जी फुल होनी चाहिए, और एनर्जी फुल नहीं लग रही क्योंकि ठंड है, तो हम अपने आप को थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं, तो उसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं। बट पहले हम बोलेंगे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सर, ओके। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा SACC का, जो इतना अच्छा स्टार्टअप प्लान लेकर आए हैं और इतना अच्छा वर्कशॉप उन्होंने स्टार्ट की हुई है आप लोगों के लिए। और ये सबसे बड़ी बात होती है कि ये जो कॉलेजेज होती है, ये सबसे बड़ी टाइम पीरियड होता है जहां पर आप कुछ भी प्लान करके अच्छा कर सकते हो। हर चीज हमें प्लान करनी पड़ती है, वो भी हम इस एक्टिविटी से भी देख सकेंगे, और अगर हम स्टार्टिंग में ही प्लान आउट कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है? कैसे इंपॉर्टेंट है, क्यों ध्यान रखना है, आपकी लाइफ में कैसे काम आएंगे, स्टार्टअप में कैसे काम आएंगे, और एज ए प्रोफेशनल भी आपको कैसे चलना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आने चाहिए। थिंकिंग, क्या पावर माइंड की थिंकिंग, उस थिंकिंग से कुछ है, लेट्स गो। डिजिटल मार्केटिंग
को दिमाग से अच्छे तरीके से यूज करने का तरीका। अगर इसको ये बोल देते कि यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग इन अ गुड वे तो नहीं समझ आता। डिजिटल फुटप्रिंट ग्रेट चल रहा है इस टॉपिक का, है सेम ही, बट जो आप कर रहे हो इवन मार्केटिंग कर रहे हो, इवन यू आर नॉट डूइंग मार्केटिंग, आप खुद भी अपने लिए जो भी चीजें एक्टिविटी कर रहे हो वो कल को मार्केटिंग बन जाएगी। आज आपने फेसबुक पे अच्छा पोस्ट डाल रहे हैं बार बार, चांदी से गुड 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 गुड, क्या होगा, क्या पता मेरी नजर चली जाए पर देखू तो उसने ऐसे लिख दिया एक आर्टिकल या लिखती ही है लड़की। मैंने उसकी टाइमलाइन देखी और मैंने देखी उसकी 44 पोस्ट। आई विल मैसेज हर, क्या करूंगा, आई विल मैसेज हर। अगर आपके अंदर कम है आप कहीं बैठ जाना, आपको ढूंढ नहीं दूंगा मैं, आप ठीक है। मैंने खुद फील किया, मेरे पास इतने केस स्टडी है, पूछो मत, इतने 100 से ऊपर स्टार्टअप मैं मेंटर कर चुका हूँ 2012-16 के बीच में, 12-16 जिन स्टार्टअप्स ने अपने आप में कुछ ना कुछ अचीवमेंट पाई है, कोई इंस्टेंट चाहे फोटोग्राफी लाइन हो किसी भी लाइन हो, तो मुझे इस बारे में नॉलेज है कि क्या बोला मैंने, क्या बोला हाँ, तो आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। मीन्स वट यू आर क्रिएटिंग शुड बी ट्रू, वट यू आर शेयरिंग दैट शुड बी ट्रू। अगर आप सोच रहे हो कि मैं कर देती हूँ शेयर बिना सोचे समझे कर देता हूँ शेयर, तो आप गलत कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है आज का प्रॉब्लम मेरे को क्या प्रॉब्लम उसकी वीडियो शेयर करने में, बट कल को 2 साल बाद अगर आज एक पॉलिटिकल वीडियो शेयर कर रहे हो, आज आप अच्छे हो तो 4 साल बाद वही वीडियो आपके लिए क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्शन बन सकती है। व्हाट इज दिस, द इंफॉर्मेशन शुड बी ट्रू वेदर यू आर पोस्टिंग इट और यू आर शेयरिंग इट, राइट। समझ आ रही है बात, वीडियो अच्छी लगी, थी याद रखना, टी इज क्लियर, लेट्स गो फॉर एच, बताओ एच क्या है, अब हेल्पफुल नहीं हुई तो आपको कोई याद वैसे नहीं रखेगा, भाई जानवी ने अच्छा पोस्ट किया है तो इट शुड बी हेल्पफुल फॉर मी, आई विल शेयर। हेल्पफुल क्या करेगा, शेयरबिलिटी इंक्रीज करेगा। हेल्पफुल क्या करेगा, मुझे जॉब प्रोवाइड कर सकता है। हेल्पफुल नेचर क्या करेगा, एक आपके नेटवर्क बिल्ड करेगा कि यार उसने मेरी हेल्प की थी, उस पोस्ट से मुझे हेल्प हुई थी, आई शुड लाइक हर पेज, सही बात है, तो इट शुड बी हेल्पफुल, ठीक बात है। इस थीम के बारे में और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे इसी से, तीन वर्ड का, चाहे वो बिजनेसमैन बनना हो, एंटरप्रेन्योर बनना हो, स्टार्टअप करना हो। लास्ट इज इंस्पायरिंग, आई इंस्पायरिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर मैं बोलूं मैंने कुछ लाइफ में कर नहीं रखा तो कई बार क्या होगा, सुनोगे भी नहीं सुनोगे। आज अगर सुंदर पिचाई बात बोले और एक गली के पास वाला लड़का बोले बोले जाना बैठ जाए, सुंदर पिचाई बोलो क्या बोलो, वाओ वाओ वाओ, सो यू आर ग्रेट सर, यू आर ग्रेट, योर वर्ड्स हैव चेंज्ड माय लाइफ सर। तो पड़ोस आए बोला मैंने भी यही बोला दो दिन पहले, पर वो सुंदर पिचाई नहीं होता है ना, तो इंस्पायरिंग शुड बी देयर, आई, ठीक बात है। लास्ट अगला एंड इज लास्ट इज काइंड तो होना चाहिए, सही बात है। अगर ये काइंड नहीं है तो आपको बिजनेस बीट नहीं मिलेगा,